उनकी ओर इशारा किया, बल्कि लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रगति, उसे भी रेखांकित किया और उसे और ज्यादा रफ्तार देने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बल दिया। यहाँ उपस्थित जनसमूह को अभिवादन प्रेषित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो युवा भारत, एक मिनी युवा भारत जो उपस्थित हुआ है, जो विकसित भारत 2047 की झलक पेश कर रहा है, उसके ठीक सामने से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री महोदय का ये काफिला। और अब इस युवा शक्ति के मन में उत्सुकता बढ़ती हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री की कारों का काफिला धीमा होता हुआ ज्ञान पथ के सामने आज इन युवाओं ने यहां माय भारत लोगों की आकृति बनाई, एक संदेश दिया देश भर में उन सभी युवाओं को कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके बारे में चर्चा हो, जिसकी प्रशंसा हो, तो वो है देश निर्माण। वो होता है अनुशासन से, प्रतिबद्धता से। यही पाठ इन युवाओं ने पढ़ा है जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, और उसी पाठ का संदेश आज युवाओं को देते हुए प्रधानमंत्री अब इस युवा शक्ति के बीच So this has become a customary tradition with Prime Minister Modi on all National Day celebrations. And this is an event, this part of the celebrations that the crowd, the public really looks forward to. As the Prime Minister walks right into the enclosure where these cadets are sitting for an animated conversation. And that's the beauty of a conversation with young people. They ask questions, they're curious, and in our nation we know that dissent makes us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our being Indian keeps us together. National Day celebrations like today ensure the participation of young people. And this is a surefire way of empowering them and embedding in them love and respect for their country. Freedom today is a birthright for all born and brought up in a free India. Today, as these young children see their Prime Minister in their midst, this is also an expression of freedom. Under the sky of our nation's celebration, Prime Minister Modi transcends the ordinary, making each interaction a profound experience. The faces of invitees, children, reflect a deep shared sense of significance. And this day is not merely about commemorating, but about connections. And the beauty of these fleeting moments will resonate through time, reminding us all that even in the grand spectacle of Independence Day, the true essence lies in the personal, the heartfelt, and the extraordinary touch of a leader who makes each individual feel like a cherished part of our nation's journey. माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश की युवा शक्ति के बीच कभी प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं, कभी परोक्ष रूप से संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर सदैव अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ रहा है। उसके 2000 कैडेट
जो देश के अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं, विद्यालयों से आए हुए हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं और अनुशासन उन्होंने नहीं छोड़ा है। देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बीच में देखकर वो आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन साथ ही अनुशासित अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय भी बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोने तक वो पहुंचे इस युवा शक्ति के बीच, उन्हें देश के सर्वोच्च नेतृत्व की मौजूदगी का, उसकी नज़दीकी का एहसास कराएं और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, जिनका उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया है, उसे युवा शक्ति अपने अंदर आत्मसात करे। अब आप देखें, नज़दीक से नज़दीक भी जाना चाहते हैं, हर कोने पर, हर एनक्लोजर के बीच में जा कर के अभिवादन स्वीकार करते हुए